ठीक है, ये हमारे पास जो है वो जाइम का सियाम है, ठीक है, ये आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है इसका एक आपको मॉनिटर नज़र आ रहा हो, मॉनिटर पे इसकी एक ये एक्टिव समझें या इसको एडवांस समझें, इसमें टच स्क्रीन है, ठीक है, मॉनिटर जो आपको नज़र आ रहा है, और इसका जो ये सी जो है ये भी रोटेट कर सकता है हर उसमें, ये क्या है, ये ऊपर क्या है, नीचे क्या है? ऊपर वाली जो है वो ऊपर जो आप देख रहे हैं टॉप पे वो ट्यूब है उसकी, और नीचे जो है वो उसका एक सेटलमेंट होता है, एडजस्टमेंट, हाँ इंटेंसिफायर कहलाते हैं। ठीक हाँ है, ठीक है, ठीक आप है। उसके अंदर उसके बाकी पीछे फंक्शन दिए हुए हैं कि हैंडल को जहाँ वहाँ करने के, सियाम को रोटेट करने के, आगे पीछे करने के, एंगुलेशन करने के, और इसमें इसकी काफ़ी सेफ्टी क्या है सियाम की? सेफ्टी, तो सेफ्टी यही है कि बस इसमें जो चलाने वाले की पूछ रही है मशीन की पूछ रहा है, अपने आप की सेफ्टी पहले अपने आप बताएं। की सेफ्टी तो यही है कि बंदा खुद यार से बताए, जो करने वाले लेड अपन वगैरह पहने, लेड अपन वगैरह पहने, पूरी प्रोटेक्शन करें, लेड शीट वगैरह, कॉलर शीट, सारी चीज़ें पहने, तो उसकी वही सेफ्टी है, और जो कर रहा हो तो आगे पीछे से जिन्होंने लेड नहीं पहना तो उनको बोलेंगे आप दूर हो जाएं, या कहीं 11 फीट के फासले पे जाके खड़े हो जाएं, या कहीं और दूर चलें। कितना कितना फीट के फासले में खड़ा होना चाहिए? 11 फीट तो कहते हैं ठीक कि है, इतना होना चाहिए डिस्टेंस, बाकी अगर इससे ज़्यादा हो तो नो इशू, कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा इसमें जो लिवर ट्रांसप्लांट में इस सी आम को यूज़ करते हैं, किन किन जगह पे इस सी आम की ज़रूरत पड़ती है? लीवर ट्रांसप्लांट में हमें नीड होती है कोलेंजियोग्राम के लिए, जब वो कोलेंजियोग्राम के लिए हाँ जब वो डायलेट करते हैं उसको, लीवर के एरिए को, उसके अंदर से देखना होता है कि इसकी डक कितनी है, और अदर एरिए जो है उनकी वेंस वर्कुलर वगैरह कहाँ कहाँ जा रही है लीवर की, ना बेसिकली डक कह सकते हैं आप उसको, ठीक है, डक में सीबीडी में करते हैं, सीबीडी में उसको कॉम्बल डक में करते हैं, जी हाँ कॉम्बल वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पर देखते हैं कि इनकी कितनी वेंस कहाँ कहाँ जा रही है, तो उससे फिर आगे की तरफ से डॉक्टर को अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि यार ये वाली वेंस काटें या कोई भी हो उसमें, तो बेसिकली कोलेंजियो के लिए इस्तेमाल होता है लीवर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात कि इस सियाम का जो लेटेस्ट वर्जन है इस वक्त कौन सा चल रहा है? ये जो आपके सामने ये लेटेस्ट है अभी तक, अच्छा ये जेम का लेटेस्ट है, रैम का ये लेटेस्ट है, इससे और एक्टिव अभी आया है 2022 का, 2021 का, थ्री डी वाला आया, वैसे रेल है 2020 का मॉडल है जाइन, ये भी न्यू मॉडल है उसका, टच में ये सबसे पहले मॉडल है जाइन का, उसके बाद अब इससे एक्टिव हुआ है थ्री डी में, लेकिन वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है इंडिया। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव दी, और इंशाल्लाह हम आपसे सीखते रहेंगे, आप लिवर ट्रांसप्लांट में मुसलसल केस करवाते हैं और आपने काफ़ी इंफॉर्मेशन दी और ये काफ़ी कारआमद है, थैंक यू वेरी मच वकार, अल्लाह आपको खुश रखें, थैंक यू।